कलेक्ट्रेट सभागार में 2022 विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए अब तक किए गए तैयारी तथा प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस की सुविधाओं के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्थापित करने के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण तथा भू अध्यापित किए जा रहे तथा धान खरीद की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी, अपर प्रभारी, सहायक प्रभारी अधिकारियों से कहा कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु नामित समस्त अधिकारी अपने सौंपे गए कार्यों दायित्वों को भले भांति कुशलतापूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। यदि किसी कार्य के संपादन में कोई कठिनाई हो तो उसे उप जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर उसका निराकरण करवाएं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रदेश सरकार की लंबित महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों का जल्द से जल्द अधिग्रहण कर अवगत कराएं, जिससे अधिग्रहित की गई जमीनों पर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं का शिलान्यास कराया जा सके, जिसका आम जनमानस को लाभ मिल सके। संबंधित अधिकारीगण युद्ध स्तर पर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 2 दिनों में दिए गए महत्वाकांक्षी योजना हेतु भूमि अर्जन कर अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने किसानों से किए जा रहे धान क्रय को दिए गए लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही किसानों से धान क्रय किया जाए। अगर किसी के द्वारा धान क्रय केंद्रों के संबंध में शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में CRO सुशील कुमार गौड़, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SDM सहजनवा सुरेश राय, SDM खजनी पवन कुमार, न्यायिक तहसीलदार सदर नीलम तिवारी, तहसीलदार गोला सुनीता गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारे TG का सत्यापन कराते हैं, हम 2-3 दिन बाद पूछेंगे कि TG ट्रांसजेंडर का सत्यापन हुआ या नहीं हुआ, और वो अगर उपलब्ध ना हो तो उनका नाम रिमूव कराने। ट्रांसजेंडर, और हमारे जनपद में ट्रांसजेंडर का 1800 का टीकाकरण हुआ है, जबकि TG हमारे 274 ही है। इसका मतलब TG सबसे ज्यादा पादरी बाजार में रहते हैं। सदर वाले नोट कर ले इसको, TG हमारे मैक्सिमम पादरी बाजार में रहते हैं। उनको ना केवल जोड़ ले, उनको हम प्रेरित भी करेंगे, इसलिए कि अगर आप अंत में देखेंगे तो TG का जो कोटिंग परसेंटेज है, पेज नंबर 16 देखेंगे तो 2.42 है। इसका मतलब कि उनमें से भी जिनका नाम जुड़ा वो भी वोट देने नहीं आए हैं। तो पेज नंबर 4 पे हमें केवल TG के बारे में ही कहना है, और बिंदु तो अपनी जगह जो है वो है, ठीक है। यदि कोई बैठक सोमवार को होती है, आप मान के चले कि उसमें 40-45 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो जेंडर रेशियो पे हम लोग अभी दोबारा एक दिन जूम कर लेंगे, लेकिन प्रयास करिए इसको बढ़ा लें। EP रेशियो में अब कुछ भी नहीं हो सकता है। EP रेशियो में ये हो सकता है गोरखपुर अर्बन और गोरखपुर रूरल एक पर आ जाए और एक्चुअल पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, इसमें कम दिखाई पड़ रही है, तो उसी से हमारा EP रेशियो 70 के नीचे आ जाएगा। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, प्रथमेश सर ने इसको ऊपर बांट करके उस समय ठीक करा लिया था। PWD पे यही हम चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे भी है। अब हमें PWD पे काम करना है और 27,000 एक्चुअल में PWD वोटर्स हमारे जनपद में जो संख्या है लगभग 70,000 की है, उसमें 50,000 वोटर मानते हैं। और इसमें मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये बात आप आगे कहिए कि गांव में अगर आप बैठते हैं तो खटाक से मालूम हो जाता है कि गांव में लंगड़ा है, कौन लूला है, कौन लंगड़ा है, टक से मालूम हो जाता है। गांव में ये सूचना पाना बहुत ही आसान है। अब दिक्कत क्या, एयरपोर्ट का प्रस्ताव मैंने मांगा था 10-15 बार याद दिलाया होगा, अभी ऐसी है कि अभी तक क्यों नहीं है। ऐसा कभी हो सकता है कि 4-5 महीने से ये सूची में कोई कटौती नहीं हो रही है, ना संतृप्तिकरण हो रहा है, ना उसको खत्म किया जा रहा है, सूची बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कभी भी जमीन अधिग्रहण का मामला 1-2 दिन से ज्यादा होना चाहिए, कैसे लग सकता है। टाल मटोल निर्णय ना लेने की मतलब प्रवृत्ति बताने क्या हो रहा है, एक भी चीज कटौती नहीं, तुमने बताया अभी
क्या है कहां बताओ लोग, एक छुट्टी का मुझे दो मैं बता दूसरे है देखो भाई सुशील हवाई अड्डा जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है वो वाली जमीन, पशुपालन यूनिवर्सिटी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, महिला बटालियन, एक भी हुआ वो बताओ टर्मिनो वाले पे क्या हुआ, प्रस्ताव थोड़ी आ गया है, स्टेट जाएगा, भारत सरकार जाएगा, सब ट्रांसफर होगा, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, क्या हुआ पहला लेटर बनाने के लिए 2 महीने लगा दिए, जबकि सारा मतलब तरीका बता दिया, नंबर भी दे दिया, डिफेंस स्टेट 60 प्रस्ताव पेंडिंग है सदर तहसील में, 60 प्रस्ताव नौ लोगों के समर्थ मिल चुकी है।